नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गलवान में अब भी तनाव है और चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। और इसी बीच भारत चीन समेत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना साधेंगी। सूत्रों की माने तो इस महीने के अंत में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ब्रह्मोस के कई परीक्षण करेंगे। इनका मकसद हिंद महासागर में इन मिसाइलों से कई लक्ष्यों को भेदना होगा। ब्रह्मोस के इन परीक्षणों से मिसाइल प्रणाली के प्रदर्शन में और सुधार आएगा और ये सांकेतिक रूप से पड़ोसी देशों को हद में रहने की चेतावनी का भी काम करेगा। यहाँ पर एक जानकारी आपको देते चले कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल का रेंज हाल ही में 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया। कम दूरी की रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज गति वाली है। इसे पनडुब्बी से पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ये रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस को इससे पहले ही भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंपा जा चुका है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पंजाब में हलवारा एयरबेस से Sukhoi-30 विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल को लैस करके बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पुराने युद्धपोत को निशाना बनाया था। मिसाइल के इस परीक्षण का मकसद तमिलनाडु के तंजावुर स्थित वायु सैनिक अड्डे पर ब्रह्मोस मिसाइलों के एक स्क्वाड्रन को तैयार करना था। चीन से तनाव के बीच गलवान में भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद उत्तरी सीमाओं पर भी ब्रह्मोस को तैनात किया गया है। पिछले ही महीने भारतीय नौसेना ने भी युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गहरे समुद्र में इसका परीक्षण 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के लिए किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की चीन को लेकर क्या तैयारी है। इसके साथ ही साथ भारत दुनिया के हथियार बाजार में अपनी दस्तक दे रहा है। ये भारत की बड़ी छलांग है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत क्या करने वाला है और इसका क्या असर पड़ोसी देशों पर होने वाला है।